किसान नेता एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने नए कृषि कानून को किसानों की तकदीर बदलने वाला बताते हुए कहा कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के भरोसे रहने के बजाय अपनी कृषि उपज के उत्पाद पर तैयार कर उन्हें MRP पर बेच सकेंगे। कमल पटेल ने कहा कि जिन्हें किसानों की आर्थिक खुशहाली से तकलीफ है वो भ्रम फैलाकर आंदोलन को हवा दे रहे हैं। जो कृषि सुधार बिल लाए हैं ये किसान की तकदीर तस्वीर बदलने वाले हैं, दशा और दिशा बदलने वाले और घाटे के धंधे खेती को लाभ का धंधा बनाने वाले, आय दोगुना और चार गुना करने वाले हैं। उसको उदाहरण देना चाहता हूं। मैं किसान हूं, मैं आलू टमाटर पैदा करता हूं, मेरा मंडी के अंदर 4 रुपए किलो बिकता है, वहीं व्यापारी उसको 40 रुपए में बेचता निर्यातक को। क्यों? उस आलू वो टमाटर में वो ग्रेडिंग करता है तो 40% ए ग्रेड का माल निकलता है, मिलता है, वो 40 रुपए किलो बेचता, लेता हमसे 4 रुपए किलो में। फिर वो बी ग्रेड का, सी ग्रेड का, डी ग्रेड का करके वो 4 गुना 5 गुना 10 गुना कमाता है और फैक्ट्री वाला फिर उसको लेता है और फिर वही आलू की चिप्स और टमाटर स्वास वो 10 गुना 20 गुना 30 गुना रेट में हमको 50 गुना रेट में बेचता है। मोदी जी ने नए एक्ट में स्वामित्व योजना दी, एक तो गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक। अब मैं किसान हूं, मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो मेरे को 1 करोड़ का लोन लेने का अधिकारी हो जाऊंगा, जो आजादी के 73 साल में नहीं था। अब मैं आलू की और टमाटर की स्वास बनाने की फैक्ट्री लगा लूंगा तो मैं MRP लिखूंगा और MRP की मर्जी से बेचूंगा। वो 400-300 रुपए किलो बेचते हैं, हम 200 रुपए किलो बेचेंगे तो उपभोक्ताओं को सस्ता मिलेगा, हमारे देश के लोगों को, और हमको भी 2 पैसे ज्यादा बचेंगे। जो बिचौलिया कमाते थे वो किसान कमाएगा। ये है कानून। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां तथाकथित किसान संगठन जो नहीं चाहते हैं कि किसान मजबूत बने, किसान आत्मनिर्भर बने, किसान खेती के घाटे की बजाय लाभ का धंधा करे और खुद उद्योगपति बने, खुद निर्यातक बने, खुद का वेयरहाउस हो, खुद का कोल्ड स्टोर हो, खुद की फैक्ट्रियां हो, ये नहीं चाहते, वो लोग विरोध कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये कानून आपके बच्चों का भविष्य बनाने वाला है, आपका भविष्य बनाने वाला है, आपको उद्योगपति बनाने वाला है और टोटल गांव गांव के किसान वहीं के वहीं अपना माल करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, निर्यात भी करेंगे और उत्पादन भी करेंगे। तो हम MSP क्यों, MRP पे बेचेंगे और जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा। यह है कानून और इसलिए इसका साथ दीजिए, मोदी जी के समर्थन में खड़े होइए, मोदी जी को ट्वीट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए कि मोदी जी इस कानून को लागू करो, हम आपके साथ हैं। और ये बिचौलियों और विपक्षी पार्टियां जिन्होंने 73 साल तक हमको गुलाम बना के रखा उनके हम खिलाफ हैं और आपके साथ हैं।